नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट ईटी एजुकेशन पे। और इस वीडियो में जो मैं आपको भारतीय संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस करा रहा था, उसका चौथा पार्ट कराने वाला हूँ। तीन पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे आप सभी पार्ट देख सकते हैं। वरना तब ये वीडियो लास्ट में मात्र 20 सेकंड की रह जाएगी, तो स्क्रीन पर ही आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहीं से आपने जो भी पार्ट नहीं देखा उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन था, मैंने आपने जो पिछली वीडियो में पूछा था कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो किसने कराया था, तो लगभग सभी ने 99% लोगों ने सही जवाब दिए थे कि अकबर ने इसका निर्माण कराया था। जो फतेहपुर सीकरी है ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, तो जो शाहजहां है इसी ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहले क्या करना आपको, सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो देखिए, जो अटाला मस्जिद है पहली बात तो जौनपुर में है, जामा मस्जिद जो है वो आपका यही जामा मस्जिद जो है गुलबर्गा में नहीं है, ये तो आपका दिल्ली में है, दिल्ली में और आगरा में है। तो यही बिल्कुल इसका गलत है, ये सुमिलित नहीं है, बाकी ये सारे सुमिलित हैं। नेक्स्ट की भारत में जो सबसे बड़ा गुंबज है, गोल गुंबज, ये किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबज किस राज्य में है, तो ये आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन बी, बेनामी राज्यों के द्वारा बनाया गया था कर्नाटक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोलकाता में स्थित जो विक्टोरिया महल है उसका निर्माण किसने कराया था, तो विक्टोरिया महल का निर्माण कराया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया था, तो छोड़िए, शाहजहां ने कराया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। छोड़िए, सब पता होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, जिनको नहीं पता वो एक बार क्लियर हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, ये ठीक है, जो सांची का स्तूप है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है ये, इसका निर्माण अशोक वर्धन ने कराया था। ठीक है, अशोक का नाम ही अशोक वर्धन। नेक्स्ट है कि आगरा स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया था, जो आगरा में लाल किला है उसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए, अकबर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया था। जो सॉरी, दिल्ली का तो बनवाया था शाहजहां ने, लेकिन जो आगरे का लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था, इसे याद रखना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हौज खास जो है वो किसने बनवाया था, तो हौज खास का निर्माण कराया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का जो मुख्य भाग है वो किसने बनाया था। देखिए, जो इसकी स्टार्टिंग करी थी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इसके मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने इसको, जिसका ऊपर का मुख्य भाग है, उसने बनाया था। नेक्स्ट है कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण जो है वो किसने कराया था, हवा महल का निर्माण किसने कराया था, इन चारों में से वो कराया था महाराजा प्रताप सिंह ने, जो जयपुर का हवा महल है उसको बनाया था। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी ये आपका आगरा में स्थित है, और आगरा कहाँ पे, आगरा है आपका उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों में से श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ पर स्थित है, श्रीहरिकोटा अनुसंधान केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन में जंतर मंतर नाम से वैधशाला का निर्माण जो था वो किसने कराया था, इन चारों में है जयपुर दिल्ली मथुरा और उज्जैन, तो इसका निर्माण कराया था सवाई राजा जयसिंह ने। ऑप्शन ए, सवाई जयसिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो एलिफेंटा अजंता की गुफाएं जो है वो मुंबई के समीप ही स्थित है। नेक्स्ट कि पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है, पुष्कर झील आपके राजस्थान में, ऑप्शन ए, राजस्थान। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था, तो भाई इसकी पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, इसकी स्टार्टिंग करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। नेक्स्ट कि गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, जो गिर वन एक नेशनल पार्क है ये गुजरात में स्थित है, तो ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका जो शेर है एशियाई शेर उनके लिए प्रसिद्ध है, सिंह सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है गिर वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, तो जो कोसानी है, तो कोसानी उत्तराखंड का एक शहर है, कोसानी उत्तराखंड में है, तो इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट कि कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, ये नैनीताल में स्थित है, ऑप्शन ए, नैनीताल। नेक्स्ट कि कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है, तो कृष्ण राज सागर आपका मैसूर में स्थित है, ऑप्शन ए, मैसूर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो सारनाथ में जो स्तंभ है वो अशोक का स्तंभ है। नेक्स्ट कि भारत में जो प्राचीनतम तारामंडल है, तारामंडल ग्रह कौन सा है, ठीक है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कौन सा है, तो वो आपका कोलकाता में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि चेरापूंजी का नया नाम क्या है, ठीक है, चेरापूंजी अच्छा क्वेश्चन है, चेरापूंजी का जो नया नाम है वो क्या है, तो उसका प्राचीन नाम चेरापूंजी था और नया नाम इसका सोहरा, ऑप्शन ए, सोहरा। नेक्स्ट है कि अमरनाथ गुफाएं किस राज्य में है, तो सिंपल क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ की गुफाएं।
और नेक्स्ट है कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में जो कराया गया था वो कराया गया था राणा कुंभा के द्वारा, ऑप्शन डी राणा कुंभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस राज्य में स्थित था, तो नालंदा विश्वविद्यालय ये आपका बिहार में था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि ताजमहल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ताजमहल के बारे में, तो आप सभी को पढ़ दीजिए एक बार, जैसे कि यह एक भव्य मकबरा है, बिल्कुल सही मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, बिल्कुल किया था, ये भी सही है, यह आगरा कोर्ट में के बाहर स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, उस पर किसी का भी नाम नहीं है। नेक्स्ट है कि वीरभूमि किससे संबंधित है, तो वीरभूमि किसके समाधि स्थल को कहा जाता है, तो जो राजीव गांधी है इन्हीं के जो समाधि स्थलों से वीरभूमि कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है, गारो पहाड़ियां जो है वो किस राज्य में स्थित है, गारो हिल्स तो ये आपकी मेघालय में है, ऑप्शन सी मेघालय। नेक्स्ट है ग्वालियर का किला जो है वो किसने बनवाया था, ग्वालियर का किला तो ये बनवाया गया था जो राजा मानसिंह है इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये आपका हेन्दसांग के स्मारक है, मतलब ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है, ये महाविहार मतलब कि जो बौद्ध लोग होते हैं उनको रहने के लिए ये था, तो ये जो हेन्दसांग था उसी का यहाँ पे एक स्मारक है, इसीलिए ही ज्यादा फेमस है, जो नालंदा महाविहार है, यानी कि दो महाविहार मतलब जहाँ पे बुद्ध लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं बिहार, एक तरीके से मंदिर ही बोल सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये तो कि जो एतादमुद्दौला का मकबरा है वो किसने बनवाया था, तो एतादमुद्दौला का मकबरा बनाया गया था नूरजहां के द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो विश्व शांति स्तूप ये इसका सबसे ऊंचा स्तूप है, ये बिहार में है और बिहार के राजगीर में, ऑप्शन सी। सांची का महान स्तूप है कहाँ पर स्थित है, सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, ठीक है, जब महाजनपद काल में इसका नाम अवंतिका हुआ करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, पहले बात उत्तर प्रदेश में, और दोनों का ही जैन और बौद्ध दोनों का ये पवित्र स्थान है, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो कौशाम्बी है उत्तर प्रदेश में वो है। नेक्स्ट है कि श्री अरविंदो आश्रम ये कहाँ पर स्थित है, तो अरविंद घोष से जुड़ा इसका नाम अरविंदो आश्रम, तो ये किस जगह पर स्थित है, तो ये आपका पांडिचेरी में स्थित है, ऑप्शन डी पांडिचेरी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के बारे में बताते हैं कौन से खंडर है, तो वह है जो हम्पी के खंडर है वो विजयनगर साम्राज्य की एक विशाल राजधानी के बारे में बताते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु वस्तुतः गार्डन नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा गार्डन नहीं है, देखिए आप सभी देख लेते हैं, खुसरो गार्डन लखनऊ में सही है, वृंदावन गार्डन मैसूर में है, हैंगिंग गार्डन मुंबई में है, लेकिन जो इडन गार्डन है वो कोई गार्डन नहीं है, ये एक खेल का स्टेडियम है इडन गार्डन, ठीक है, तो ये जो है वो कोई गार्डन नहीं है, ये खेल का स्टेडियम है। नेक्स्ट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो किस जगह पर स्थित है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है आपका मुंबई में, ऑप्शन सी मुंबई। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी ये चार मठों जो थे वो किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, भारत के चारों कोने पे चार मठों की स्थापना की थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपका देखिए जो पुरी है ये आपको उड़ीसा में पड़ता है इधर पुरी, और जो आपका द्वारका है ये गुजरात में पड़ता है द्वारका, और बद्रीनाथ आपका ऊपर पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, और श्रृंगेरी पीठ जो नीचे पड़ता है तमिलनाडु में, यहाँ पे श्रृंगेरी, तो इन चारों कोने पर जो आदि शंकराचार्य थे चार मठों की स्थापना की थी इन्होंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रॉकेट छोड़ने का जो केंद्र है थुम्बा वो किस राज्य में स्थित है, तो थुम्बा है आपका केरल में, ठीक है, यहाँ से रॉकेट छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है जहाँ से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रॉकेट का प्रक्षेपण करती है, तो इसरो जहाँ से रॉकेट को छोड़ती है, तो वो है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है ये, और यहीं से जो इसरो का यहाँ पे मतलब इसरो के जो मुख्यालय बोल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो शांत घाटी आपका केरल में है, ठीक है, शांत घाटी केरल में। और नेक्स्ट है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, और इस वीडियो में इतना ही था, बाकी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब
जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए धन्यवाद।